के न्यूज चैनल सच का साथ इस वक्त की खबर जनपद बागपत से आ रही है। बागपत में आज हवारी और गैंग और पुलिस के बीच हुई जमकर मुठभेड़, जिसमें एक बदमाश को गोली लगने से घायल हो गया जबकि एक बदमाश भागने में कामयाब हो गया। आपको बताते चले कि मलकपुर रोड पर पुलिस चौकी के नजदीक पुलिस के साथ हुई मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। सोमवार देर रात पुलिस मलकपुर रोड पर चेकिंग के दौरान ही आपको बताते चले कि एक बाइक सवार हो गए दो बदमाश। पुलिस ने रोकने का इशारा किया और बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिसकर्मी का बाल बाल बच गए और जिसमें पुलिस के जवानी जहां पर फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। प्राइम बी के न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट। ये वाहनों की चेकिंग कराई जा रही थी, पूरे जनपद में सघन चाक की चेकिंग करने के आदेश दिए गए थे। छपरौली मोड़ पर एसओ बड़ौत के नेतृत्व में चेकिंग की जा रही थी। अच्छा, तो सामने से एक मोटर बिना नंबर मोटरसाइकिल सवार आते हुए दो संदिग्ध दिखाई दिए। जैसे इन्होंने रोकने का प्रयास किया, इन्होंने फायरिंग कर दी और हमारी टीम ने पीछा किया और सूचना भी आगे वाली पार्टी की सूचना दे दी। पीछा करते हुए जैसे उन्होंने आगे पार्टी को देखा, बाई तरफ मुड़ गए लिंक रोड पर, जहाँ आगे इनकी जा करके मोटरसाइकिल स्लिप हो गई। पुलिस से अपने को घिरा हुआ देख करके इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है। एक बदमाश मौके से भाग गया है, जिसकी तलाश कराई जा रही है। कौन बदमाश है, क्या हिस्ट्री है? ये इसका नाम अजीत है, जो हापुड़ कोतवाली का रहने वाला है। क्या करने आया था यहाँ, इसका पता लगाया जा रहा है। कितने लोग थे कुल मिला के? बाइक पे दो लोग सवार थे, एक भाग गया है, जिसकी तलाश कराई जा रही है। ठीक है जी, थैंक यू। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस